वेलकम दोस्तों, मैं नितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है एलिगेशन। अब जरा उसको सॉल्व करते हैं। इनवर्ट रेशियो मिक्स टी एट रुपीज 60 पर केजी एंड 65 रुपीज पर केजी, सो द मिक्सचर इज 62 रुपीज पर केजी, यानी कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 62 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। तो भाई सिंपल सी चीज है, आप सभी को बताई होगी, पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन करवाए थे। अब जरा स्पेशल चैप्टर इसका देखते हैं। यहां पर एक चाय कितने की है भाई, 60 रुपए की। एक चाय कितने की है, 65 रुपए की, यानी कि एक लिख ली लेफ्ट तरफ, एक लिख ली राइट तरफ। और आप लोगों की मर्जी, आप चाहे 65 को यहां लिखो चाहे यहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मिक्सचर की कीमत कितनी हो गई, 62 रुपीस, यानी कि जो भी इनके मिक्सचर की कीमत होगी ना, वो हमेशा कहां आएगी, बीच में। ये कितना आ गया, 62। और बीच वाली वैल्यू के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि भाई एक वैल्यू से तो बड़ी और एक वैल्यू से क्या होती है, वो छोटी होती है। तो हमेशा ही क्या करते हैं भाई, क्रॉस में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, यानी कि 62 माइनस 60 यहां कितना हो गया, 2। और यहां कितना हो गया भाई, 65 माइनस 62 यहां कितना हो गया, 3। तो यहां से मुझे रेशियो कितना मिल गया भाई, 3:2, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई जो ये 3:2 है, ये एक्चुअल में है क्या, और जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ही एक से बड़ी और एक छोटी क्यों होती है, अब बताऊंगा आप लोगों को मैं उसका रीजन। तो सबसे पहली बात देखो, ये है क्या चीज, जो मुझे 3:2 मिला है ना, एक्चुअल में ये रेशियो मिला मुझे क्वांटिटी का, यानी कि इनके वजन का रेशियो मिला। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मैं 60 रुपए की 3 किलो खरीदता हूं और 65 रुपए की 2 किलो खरीदता हूं, तो जरा यहां 60 × 3, यानी कि भाई मुझे कितने की पड़ गई वो चाय, 180 रुपए की, और 65 रुपए की कितने किलो खरीद रहा हूं भाई, 2 किलो, तो कितने की पड़ गई मुझे यहां से, 130 की। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मुझे यहां से कितने पैसे मिल जाएंगे, 0, 1, 3। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा भाई, 3 किलो ये, 2 किलो ये, मैंने 5 किलो चाय ले ली, कितने रुपए में ले ली, 310 में। और अगर मैं इस कीमत को राउंड फिगर में लूं, यानी कि डायरेक्ट एवरेज वैल्यू निकालूं, तो क्या आएगी, 310/5, कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 62। तो जो ये एवरेज वैल्यू होती है ना, वो हमेशा कहां आती है, बीच में। ये बात क्लियर आप सभी को, इतनी बात क्लियर हो गई कि नीचे का रेशियो क्या होता है भाई, 3:2 का मतलब क्या होता है, ये इसकी क्वांटिटी का रेशियो होता है। और जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 62 मुझे क्या मिल गया, उसका एवरेज वेट मिल गया। तो अब एक सिंपल सी बात देखो, कॉमन सी बात देखो, आपके पास एक चीज 60 रुपए की है, एक चीज 65 की है, तो अगर मैं सभी को कंबाइन करूंगा तो आंसर मुझे कहां मिलेगा, 60 और 65 के बीच में कहीं मिलेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 60 से तो कम हो सकता नहीं और 65 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेरे पास, 65 है, और कुछ सामान मैंने 60 खरीदा हुआ है, तो 65 से कम आएगा। और वैल्यू 60 से कम क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने कुछ सामान किसका खरीदा हुआ है, 65 रुपीस का खरीदा हुआ है। तो अंदाजा वैल्यू कहां रहेगी, इन दोनों के बीच में रहेगी, वो 61 भी हो सकती है, 62 भी, 62.5 समथिंग कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो बात क्लियर आप सभी को, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, इन दोनों के हमेशा बीच में आएगी, यानी कि एक से तो बड़ी होगी एक से छोटी होगी। और नीचे मुझे क्या मिलेगा, यहां से क्रॉस मल्टीपल, सॉरी इनकी कहते हैं क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। बात क्लियर आप सभी को, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक आदमी कुछ चीनी 27 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से और कुछ चीनी 35 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, वो उन दोनों को मिलाकर मिक्स कर देता है और उन्हें 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उनका मिश्रण का मूल्य हो जाता है, तो बताइए उसने किस अनुपात में उन्हें मिलाया। तो भाई क्या करेंगे, एक तरफ क्या लिख लिया मैंने 27, एक तरफ क्या लिख लिया मैंने 35, और बीच में क्या आएगी वैल्यू मिश्रण की, और बीच वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, एक से बड़ी और एक से छोटी। तो हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस में बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, यानी कि 30 में से 27 गए 3 और यहां 35 में से 30 गए कितने हो गए 5।
तो आंसर यहां से कितना हो गया भाई, 5:3, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक व्यक्ति के पास 26 रुपए पर लीटर वाला एक केमिकल है, वो उसमें किस रेशियो में पानी मिलाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपए पर लीटर हो जाए। तो कंफ्यूजन यहां पर ये हो गई कि भाई मुझे केमिकल का रेट पता है लेकिन मुझे पानी का मूल्य नहीं पता। तो सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा कि भाई पानी मेरे पास उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं उसे क्या मान लूंगा अपने पास से, जीरो। यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं होती उसे क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो केमिकल का रेट कितना हो गया 26 और इनके टोटल मिक्सचर का रेट कितना हो गया 20। और आप खुद देख सकते हैं कि जो बीच वाली वैल्यू है वो इससे छोटी है लेकिन इससे क्या है, बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, क्रॉस में बड़ी में छोटी वैल्यू माइनस, यहां कितना 6, यहां कितना हो गया 20, कट के वैल्यू कितनी होगी यहां से भाई 10:3, ये हो गया 20 का आंसर। बात क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक व्यक्ति के पास 21 रुपए पर लीटर वाला द्रव्य है, वह उसमें किस रेशियो में पानी मिलाए जिससे कि उसे 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। तो भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या लिख लूंगा, एक तरफ केमिकल लिख लिया, एक तरफ क्या लिख लिया भाई वाटर। केमिकल का रेट कितना हो गया 21, वाटर का रेट कितना हो गया भाई 0, और जो इनकी बीच की वैल्यू होती है हमेशा क्या आती, बीच आती, यहां कितना हो गया 25। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बात की थी कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो एक से बड़ी और एक से छोटी होती है, लेकिन यहां तो दोनों से बड़ी हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और थी, उसने क्या बात कह दी, कितना प्रॉफिट कह दी, 25% प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे इसके जो मिक्सचर की रियल वैल्यू होगी वो निकालनी। अब जरा यहां देखिए, उसने क्या बात कह दिया कि जो मिक्सचर है वो कितना है 25 रुपीज, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। परसेंट हटाने के लिए अमाउंट में कितना आ गया 200, कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/4। इसका मतलब ये हो गया 4 जो है वो सीपी है, 1 क्या हो गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यहां से कितना हो गया भाई 5, क्योंकि 4 में मैंने कोई वस्तु खरीदी थी, 1 के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो कितने में बिकेगी चीज वो 5 में बिकेगी। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग कितने में हो गए भाई 5 में, लेकिन क्वेश्चन में कितने का रखी है 25, तो भाई 5 = 25, यहां से ही किसे की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो सीपी कितना है भाई, मैंने कितना मानना है 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, आंसर कितना हो गया 20। यानी कि जो उस मिश्रण की ओरिजिनल कीमत थी वो कितनी थी 20 थी, लेकिन व्यक्ति चाहता किसी रेट में बेचना उसे 25 में। तो हमें यहां पर वैल्यू क्या चाहिए, उसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ना कि उसकी सेलिंग प्राइस। तो बीच में कितना आ गया भाई 20, यहां से यहां गया 20 और यहां से यहां आया 1, आंसर कितना हो गया यहां से भाई 20:1, ये मेरा आंसर। बात क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिखे सामने ये रहा, एक आदमी के पास दो तरह का दूध है, पहला 80 रुपए पर लीटर के हिसाब वाला और दूसरा 110 रुपए पर लीटर के हिसाब वाला। यदि पहला दूध 12 लीटर और दूसरा दूध 6 लीटर की क्वांटिटी में है तो बताइए उनके मिश्रण का रेट क्या। अब जरा यहां फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट की क्वांटिटी सॉरी रेट कितना 80, सेकंड कितना भाई 110, और जो इनकी वैल्यू है यानी क्वांटिटी कितनी है 12। ये क्वेश्चन तो मैं निकालने क्या है भाई, ये इसकी बीच वाली वैल्यू निकालनी। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में क्वांटिटी होती है। तो हम इस वैल्यू को दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए जरा कैसे। 80 को मैं पहले मल्टीप्लाई किससे करूंगा 12 से, क्योंकि 80 रुपए लीटर पर मिल्क क्वांटिटी है और 12 लीटर के आसपास में क्वांटिटी है, तो 12 यानी कि 960 की होगी। अगली देखिए 110 गुणा 6 कितना हो गया यहां से भाई 660, 0216, ये चीज हो गई। यानी कि उसने कुल मिलाकर 1620 रुपए में 18 किलो दूध ले लिया। तो भाई अगर मैं एवरेज उसका निकाल लूं तो कितना होगा 1620 / 18 होगा, और 18 से कितने में कट रहा है 9 पर, यानी कि जो इसके मिक्सचर की वैल्यू कितनी हो गई भाई 90। बात ये, अब इसी
कैलकुलेशन को छोटा करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या जरा वो देखो। अब देखो आप लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया है, 12 और 6 से। अब एक बात देखो, अगर इनकी एक क्वांटिटी, मैं कह रहा हूं क्वांटिटी, रुपए नहीं कह रहा क्वांटिटी, अगर इनकी क्वांटिटी आपस में कट रही है तो उसे काट। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 160, 110 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 110, नीचे कितना आ गया भाई 270। 2 किलो ये, सॉरी 2 लीटर ये, 1 लीटर ये, कुल मिला कितना लीटर हो गया भाई 3 बराबर 270। एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई भाई 90। बात क्लियर? एक तरीका इसका ये होता है। अब तीसरा तरीका भी होता है, जरा देखते कैसे होता है। अब इसे मिटा देते हैं। तो थर्ड मेथड देखो ये होता है, क्या करते हैं छोटी वैल्यू तो उसमें प्लस कर दूंगा, बड़ी वैल्यू है तो ये माइनस। अब देखो जरा 80 और 6 कितने हो गए 86, 110 में से 12 गए कितने हो गए भाई 58। दोनों वैल्यू सेम है नहीं, तो इसका मतलब ये आ सकता। तो सेकंड मेथड ये है, जरा देखो इसका, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 18, और इनके बीच का गैप कितना हो गया भाई 30। 18 बराबर 30, एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 30/18, कटकर वैल्यू यहां से कितनी होगी 3/5, यानी कि भाई 5/3 एक हिस्से की वैल्यू ये हो गई। तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3, कटकर वैल्यू यहां 4 बजे कितना हो गया 20, कटकर वैल्यू यहां तो कितना हो गया 5/10। अब देखो छोटी वैल्यू में क्या करेंगे इसे प्लस, 80 + 10 90, 110 - 20 कितना 90, आगे दोनों तरफ सेम वैल्यू। ये इसका एक और अल्टरनेट मेथड, और ये तरीका आप लोगों से एवरेज की वीडियो में भी सिखा चुका हूं। मेरे ख्याल से आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इन एन एग्जामिनेशन आवर स्टूडेंट स्कोर 4 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉसेस 1 marks फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। A student attempted all the 200 questions and scored 200 marks. Find the number of correct question. यानी कि किसी परीक्षा के अंदर एक विद्यार्थी को सही क्वेश्चन के यानी कि सही आंसर के 4 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर के 1 नंबर काट लिया जाता है। तो उसी परीक्षा में कुल 200 क्वेश्चन है और उसे 200 ही नंबर मिले हैं, तो बताइए उसने कितने ठीक क्वेश्चनों के आंसर दिए। तो जरा यहां एक तरफ ठीक एक तरफ गलत, एग्जाम के अंदर भी कितने क्वेश्चन है 200, तो मैं ये मान लूंगा एक सेकंड के लिए 200 के 200 क्वेश्चन उसने ठीक कर दिए। तो एक क्वेश्चन के सही करने के लिए भाई 4 मार्क्स, तो 200 क्वेश्चनों में कितने हो गए मार्क्स उसे 800। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया 200 के 200 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए भाई गलत, तो हर एक क्वेश्चन पे उसे क्या हो रहा था एक नंबर कट रहा था, कट रहा था यानी कि माइनस माइनस 1, 200 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से कितना हो गया भाई माइनस 200। ये बात क्लियर? अगर वो सभी के सभी ठीक करता तो उसे 800 मार्क्स मिलते, सभी के सभी गलत करता तो उसे कितने मिलते माइनस 200 मिलते, और कुल मिलाकर जो उसके एवरेज क्वेश्चन थे वो कितने थे 200 मार्क्स, यानी कि उसके एग्जाम में आए हुए एवरेज मार्क्स कितने हो गए 200। तो बीच वाली वैल्यू क्या होती भाई 1 से छोटी और 1 से बड़ी, तो यहां मैं क्या करूंगा 800 - 200 कितना हो गया 600, और यहां मैं क्या करूंगा भाई बड़ी वैल्यू ये है, बड़ी में से छोटी माइनस, यानी कि देखो 200 माइनस और छोटी वैल्यू क्या थी पूरी माइनस 200, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 200 + 200 कितना हो गया भाई 400। तो यहां से रेशियो मुझे कितना मिल गया भाई 2:3। इसका मतलब ये हो गया कि 2 क्वेश्चन तो ठीक किए, 3 क्वेश्चन किए गलत, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 5, लेकिन एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे भाई 200, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो ठीक पूछेगा तो भाई 2 से गुणा यानी कितने हो गए 80, और गलत पूछेगा 3 से गुणा कितना हो गया 120। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही है,
50 स्टूडेंटों के बीच में 41 यानी कि 41 रुपीज को बांटना है, यानी प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे यानी कि 65 पैसे मिले, तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। तो जैसे क्वेश्चन ने पिछला किया उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते। तो मैंने क्या किया भाई, एक तरफ लिख लिया बॉयज, एक तरफ क्या लिख लिए गर्ल्स, ये बात ही। स्टूडेंट कितने हैं 50, मैंने ये मान लिया 50 के 50 क्या है लड़के हैं। तो भाई 50 के 50 अगर लड़के हैं तो एक लड़के को कितने पैसे मिल रहे हैं 90, तो 50 लड़कों को कितने पैसे मिल जाएंगे 4500। अब मैंने क्या मान लिया 50 की 50 लड़कियां मान ली, एक लड़की को कितने पैसे मिल रहे हैं 65, तो 50 को कितने मिल जाएंगे 0325। ये बात ठीक। और इन सभी बच्चों में कुल मिलाकर कितने पैसे बटे हैं 41 रुपए। तो रुपयों को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, पैसों में, तो यहां से कितना हो गया भाई 41। ये बात क्लियर। अब बीच की वैल्यू एक से छोटी और एक से बड़ी, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, बड़ी मैं छोटी वैल्यू कर दूंगा माइनस। 4500 में से 4500 कितने बच गए भाई 400। अब जरा यहां जाओ, 0 में 0 0, 10 में से 5 गए भाई 5, 10 में से भाई 2 गए 8, यहां कितना आ गया 8 5 0, 0 से 0 कैंसिल, दोनों वैल्यू 5 से काट दी, ये कितना हो गया यहां पर 8, ये कितना हो गया भाई 17। ये बात क्लियर। अब इनका जरा रेशियो देखो, 17:8 हो गया, यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग लड़के कितने हैं 17, लड़कियां कितनी हैं 8, तो दोनों बच्चे कितने हो गए 25। क्वेश्चन में कितने क्या रखी 50, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो भाई गुणा दो 34 गुणा दो 16, यानी कि 34 तो लड़के हैं और 16 क्या है लड़की है। बात क्लियर। अब इसी क्वेश्चन करने का देखो एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या है जरा ये एक लड़के को कितने पैसे मिल रहे हैं 90, 90 पैसे लिख लिए, मैंने मान लिया सिर्फ एक लड़का। अब मैंने मान लिया सिर्फ क्या है, सिर्फ एक लड़की है, कितने पैसे मिल रहे हैं 65। फिर उसने क्या बात कह दी 41 रुपए कितने बच्चों में डिवाइड हुआ भाई 50, तो मैं क्या करूंगा भाई 41 रुपए को डिवाइड किससे कर दूंगा 50। रुपयों को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो आ गई, 0 से 0 कट गई, यहां कितना आ गया विकट कर वैल्यू 82, यानी कि जो इनके एवरेज पैसे हो गए वो कितने हो गए 82 पैसे। और बीच की वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी होती है, यहां देखो यहां कितना आ गया 90 - 82 8, और यहां कितना हो गया 82 - 65 17, मिल गया भी सेम वही रेशियो 17:8। आपकी मर्जी, चाहे आप इन सभी को एक मान लो या फिर आप सभी को 50 के 50 मान लो, आंसर हमेशा क्या है दोनों तरीकों से सेम। बात किए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में, इन व्हाट रेशियो मिक्स टी एट रुपीज 80 70 एंड 50 रुपीज पर केजी, सो द मिक्सचर इज 60 रुपीज पर केजी, यानी कि 80 रुपए 70 रुपए और 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। ये क्वेश्चन है ट्रिपल एलिगेशन का, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा कि ट्रिपल एलिगेशन कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। जय हिंद।